गाना पसंद है प्लीज। तुम्हें लगता है क्रिसाइटी? मुझे लगता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मैं उस पर फिदा हूँ। हाँ वो मैं देख सकती हूँ। क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट, धुएं की बदबू आ रही है। ओह माय गॉश, मुझे लगता है ये पैगी की गाड़ी है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं तुम यहीं रुको, मैं अभी आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ है। क्या लाई हूँ? ले लो, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छे हैं। हाय डॉक्टर ब्रैडली। हाय सुगर। मेरा नाम जेनिन है। जानता हूँ तुम जेनिन हो। आप जानते हैं? तुम्हें पता है मैं तुम्हें सुगर क्यों पुकारता हूँ? आप सभी लड़कियों को इसी नाम से बुलाते हैं ना? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुगर तुम हो। सब चला गया। मुझे वो तुम्हें ही मिलता है। मेरे लिए इमरजेंसी है, शायद कोई पेशेंट। दूसरी कहाँ है? ठीक से एग्जामिन करके देखना होगा। ओके, अब इसे दूसरा शॉक दो। डॉक्टर ब्रैडली आपकी जरूरत है, एक नन्हा बच्चा सांस नहीं ले रहा। अच्छा सुगर, तुम यहीं रहकर मॉनिटर वॉच करो, अगर बढ़े तो मुझे बुलाओ, ठीक है?
सुनाई नहीं दे रहा हूं। क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे जगह पसंद नहीं, फिर भी तुम मुझे यही लेकर आए हो। तुम्हारे पसंद का सवाल ही नहीं है। कैप्टन जो मैं हूँ, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। I love you. Hi, mommy. Hey, Matt. Hi. ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू पॉल, बहुत खूबसूरत है। किसने दिया ये? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? दोस्तों मौसम प्यारा है, इस बार हमें अपनी काबिलियत साबित करनी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से हम लोगों का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हमें ठीक से खेलना होगा बॉयज। चलो सब मिलके हिम्मत बांधते हैं, ठीक है? चलो अब शुरू हो जाओ। हम जीत के दिखाएंगे, ओके? हमें अपना सबसे बेहतरीन खेल दिखाना है, ओके बॉयज? चलो कम ऑन, चलो हे चलो बेबी, क्यों ऐसे कर रही हो? मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम जानते हो मैं क्यों कह रही हूँ। बिसाइड्स मुझे अभी अपनी शादी का इंतजार है, ओके? दिस इज नॉट ऑन माय शेड्यूल, मुझे जाना चाहिए। लड़की कहाँ जा रही हो? आओ ना। हे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आओ, आ जाओ। आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, कुछ देर बैठ जाती हूँ। मैं देर हो रही है, जा रही हूँ। तुम ठीक हो? डरे क्यों? वो मर चुकी है। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। चलेगा, उन्हें कुछ भी कहने दो, तुम अपना ख्याल रखोगे। तुम नहीं समझ सकते। मैं समझता हूं, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे अपनी बाहों में ले लो प्लीज। जानता तक नहीं। देखो तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है। तुम्हें बहुत गर्मी है। Yeah!
एक बुरी खबर है, तुम्हारे घर से फोन आया है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हें वहाँ पहुँचना है। ये मेरी गलती नहीं है। हे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? परेशानी क्या है? परेशानी क्या है रे? ओके यंग मैन, अब तुम्हारा पैर कैसा है? तुम मुझे सुन रहे हो ना? हाँ। मैं जानता हूं कि तुम्हें ज्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे सर पर घाव है, क्योंकि अब तक डबल विजन है। बहुत खराब है नर्स, ये तो बहुत ही हानिकारक हो सकता है क्योंकि अब इसके ट्विस्ट को बैक में ला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सुनो, एक झटका देने के लिए तैयार हो? हाँ डॉक्टर, एक्सेलेंट। एक और के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ डॉक्टर। नहीं, नहीं, नहीं। उसे देखा? देखा उसे तुमने? कौन? तुम तो पूरे आलसी हो दोस्त। आलसी नहीं, तुम्हें पता है एक जबरदस्त हॉट चिक अभी अभी वहां से पास हुई और मुझे उसने कैंडी स्टीपर दिया। पूरी फैंटेसी थी मेरी वो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें फैंटेसी देखने की आदत है। वो जबरदस्त थी यार, तो इसीलिए तुमने मुझे नींद से उठाया। अच्छा तो ये फल है? ओ हाँ बिल्कुल है। उसने कहा था? हाँ, उसने कहीं से कॉल किया था, मेरे ख्याल से कोई जगह से। हाँ वो कहाँ है? नहीं जानता, शायद कोई दूसरा मकान। फ्रूट क्रिस, देखो किसे हमने पाया है। हे फ्रूट, देखो हम किसे लाए हैं। बहुत बुरा हुआ यार, इस बार टूर्नामेंट में मजा ही नहीं आया। तुम्हें हुआ क्या है? मेरे सर में चोट लगी है। सिर्फ वही बचा है? तुमने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। वे अभी भी हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाड़ में जाओ कमीने। Hey, don't baby. बोलो डार्लिंग। देखो मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है और मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ तुम गुस्सा करोगे, देखो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास वाकई में काम है। हाँ तुम हमेशा इसी तरह प्लान करती हो। तो लगता है ये साल तुम MVP नहीं बना पाओगे। ओके, लेकिन स्कॉलरशिप खरीद लोगे। हैं? Stop it. Come on. Oh, देखो ये तुम्हारे लिए यहाँ पे रुक रही है, कितनी प्यारी है, तुम्हारी छोटी बहन बाकी में एक गुड़िया है। मैं रुक सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चुप रहने के लिए क्या लोग? नहीं समझ गए, तुम्हें आराम की जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। क्यों ना तुम लोग मुझे मेरे रूम में ले चलो, मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। क्या कर रही हो? ये गलती से हो गया, मैंने मुझे मालूम ही नहीं किया। ओके चलो। मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है।
लोग बस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वो किस लिए? तुम्हारे साथ एक जरूरी काम था। मुझे लगता है जैसे तुम मुझे एग्जाम रूम में ले जा रहे हो। ओके ओके चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओके अब शुरू हो जाओ। हे, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती, पर हम करते हैं। दरवाजा खोलो। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए डॉक्टर, हम फंस गए थे, आपने हमारी जिंदगी बचाई। डॉक्टर डिक्सन बाहर आपकी जरूरत है। मैं वहां पहुंचता हूँ। कैच यू लेटर, बाद में मिलेंगे। यकीन है आवाज करके तुम अपनी साथी को जगाना नहीं चाहते हो। मैं सचमुच का सपना देख रहा हूं क्या? तुम आखिर कर क्या रही थी? आप ही को ढूंढ रही थी। हाँ मैं देख सकता हूँ। कम ऑन ये मत कहना कि तुम्हें जलन हो रही है। वो सिर्फ लड़का है और तुम मर्द। आज तुम बहुत गर्म लग रही हो कि नहीं? और भी बहुत जलवे हैं मुझ में। फिक्र मत करो, यहाँ पे नहीं आने वाला। ओके ओके मैंने कहा ना यहाँ पे नहीं आने वाला। मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। अगर मुझे ठीक से याद है तो यही होना चाहिए। कैसे? क्या है? चीयर इट। अगली बार ये रखते हैं।
मुझे लगता है कि आज तुम घर जा सकते हो। ख्याल कैसा रहा? आई गेस थैंक यू। तुम उठ के हम देखते हैं कि हम कैसे हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब ठीक है। मेरी पीठ। मैं किसी को इंतजाम करता हूं तुम्हारी एक्सरे के लिए। पिछतों क्या हो रहा है? पिछली रात मैंने खूबसूरत सपना देखा। क्या सपना था यार, क्या बताओ तुम्हें। लगता है तुम्हारे पीठ पर चोट लगी है। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों में यहाँ बहुत मस्ती मिलने वाली है। ये जगह तो लाल गालों से भरी है ना। तुम जानते हो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे सपने में क्या था? मैं करवटें ले रहा था। अब मेरा मतलब, मुझे लगा ये एक सपना था पर हकीकत था। कमीने, तुझे बढ़िया दवाई और साथ में बढ़िया लड़कियां भी मिली। तुम ही कल रात आई थी ना? मैं तुम्हारा टेम्परेचर लेने की कोशिश कर रही थी। बुखार मैं अच्छा कर लेती हूँ। वैसे भी अब मुझे किसी को एक्सरे के लिए ले जाना है, और मेरे विचार से इसके लिए तुम ठीक हो। वैम्पायर के नाम में आज हम लोग मस्ती करेंगे। ठीक है ठीक है मुकदमाओ, आप लोग अपने अपने काम में लग जाएं। ये कोई बहस का वक्त नहीं है। अच्छा तो अच्छा वक्त कब होगा? पिछले दो दिनों में 10 लाशें। हमारे पास सारी बॉडीज हैं और हम उन पर टेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कि किस बीमारी की वजह से वो मरे हैं। डिजीज कंट्रोल को हमने कांटेक्ट किया है और वो हमें जल्द टेस्ट करके रिपोर्ट्स देने ही वाले हैं। और मेरी बात मानो, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कहना आसान है, बैठे बैठे कोई कुछ भी कह सकता है। लोगों को राहत दो, क्लोरेट इज राइट डॉक्टर मैनन। अगर यही हाल रहा तो हमें सरकार को जवाब देना होगा। मुझे डर है कि कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, कड़ी नजर रखनी होगी। अपने काम पर लगो। कैसे हो? जिंदा हूँ, बस यही समझ लो। सही कहा, सॉरी कल सवाल कर लिया। तुम मेरे भैया से मिले? अरे वो कुछ लड़कियों को लॉलीपॉप दिखा रहा था। बड़ा मजनू लगता है वो। देखना तुम एक महीने में ठीक हो जाओगे। हाँ लेकिन बहुत देर हो रही है। पिछली रात सॉरी। अब तुम जाओ। थैंक्स। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैं जानता हूँ। मेरा मतलब है मैंने देखा है, और यहाँ कुछ वायरस है और बस डॉक्टर्स उसी को ढूंढ रहे हैं। कैंडी स्ट्रीपर वायरस की बात कर रहा हूँ? वो उसी को ढूंढ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि वो तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई वायरस है और ये एक सीरियस बात है। मुझे नहीं लगता है कि गर्ल्स इस तरह से मजाक के लिए पब्लिक में झूठ बोलेंगी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है, यहाँ से निकलना चाहिए। तुम क्या कहती हो? मैं भी यही सोचती हूँ। देखो ना, हम दोनों एक ही तरह सोचते हैं ना। सुनकर अच्छा लगा। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे तुम्हारे साथ कोई सेलफोन है? हाँ हाँ। सुनो, मेरे लिए क्रिस्टल को फोन कर सकती हो?
तुम चाहते हो मैं क्रिस्टल को कॉल करूं? हाँ, बोलो कि उसे अपना बैग लेकर आए और मुझे यहाँ से ले चले। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे डैड को कॉल करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक क्रिस्टल के बारे में किसी ने शिकायत नहीं की। ओके? ठीक है, हाँ कूल, मैं उसे कॉल करती हूँ। सुनो सुनो सुनो, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें कॉल करूं। मुझे भी तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं। हेलो हेलो, तुमने पहले ही कहा है, मेरी बैटरी लो हो गई, अब मैं क्या करूं? जाकर चार्ज करती हूं। मुझे तुम्हारा आफ्टर शेव बहुत पसंद है। मैं वैसा कुछ नहीं लगाता। अच्छा नहीं, संभल के चलो। मुझे तुम्हारा आफ्टर शेव पसंद है। ए बकवास बंद करो, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे यार। ये छोटा सा शहर है, मैं सोच रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है वो तुम पे मरती है। अपनी बकवास बंद करो। चुप शराब हो गई क्या? तुम अपने प्रेमी से डरती हो? अरे उसे तो पहले से ही सब कुछ पता है। तुमने उसे कह दिया? मेरे ख्याल से तुम अगर उसे बोल देते तो अच्छा होता, हकीकत बयां कर देते, यही कि तुम उसे प्यार करते हो। तुम्हें जलन हो रही है कि नहीं? तुम इसलिए जलती हो क्योंकि वो मुझे चाहती है, तुम्हें नहीं, और ना ही तुमसे बात करना आता है। मिस्टर बास्केटबॉल का ट्रस्ट जेलियस। ठीक है अक्कलमंद जनाब, मेरा सपना याद है, वही थी। तुम्हें जो सपने देखना देखो, लेकिन इस बार तुम्हें वो लड़की नहीं मिलेगी, इस बार मुझे मिलेगी। मैंने तुम्हें डरा दिया एक बिग स्ट्रॉन्ग बास्केटबॉल प्लेयर को? हाँ कोई बात नहीं। अब पीठ कैसी है तुम्हारी? अच्छा है, बहुत दर्द है शायद। तुम्हें कुछ और पीठ की कसरत करनी चाहिए। शायद मैं उन कसरतों से कुछ से फायदा उठा सकूं। ऐसा नहीं थे जनाब, कमीज ऊपर करो, ऊपर करो गुलाब। देखो ये क्या है उसने तुम्हारे साथ? ये तो खरोश के निशान है, उसने फ्रस्ट्रेशन में किया होगा, पर मैं नहीं मानता कि वो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, अरे कम से कम शुक्रिया तो अदा करो। किस लिए? मेरी शानदार सेक्सी रात में दखल देने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं जब हम मजा ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाँ यार, हाँ देखो ना जरा। नहीं 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 नहीं, हो मुझे मिल गया। चुप रहो जो फ्रूट। तो तुम घर जा रहे हो? हाँ, मेरे लोग जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मेरे घर वालों को भी कह देना। ओके, बहुत लंबा सा और बहुत बड़ा सा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये क्या तुमने हुड़िया बना रखा है? नो, करो यार, मैं बहुत
मैं तुम्हें लॉबी के बाहर ले जल्दी ले चलो यार। देख यार मैं कहता हूं यहां भी मनुष्य थे। गुड क्वेश्चन। Joy, push it faster. Brad, Babu, jaldi. Arey, jaldi karo, jaldi. Kamini aa rahi hai. Brad, meri madad karo, jaldi. काम करो। सब ठीक लग रहा है। क्यों ना हम उन्हें नीचे से फॉलो करते हैं। उसे पता है हम लोग कहाँ हैं। वो हमारा इंतजार कर रही है। ये तुम कैसे जानते हो? मैं क्या जानू, बस मैं इसलिए मुझे महसूस हुआ। Come on guys, let's go, let's go. ये कैसा हॉस्पिटल है? वो इस फ्लोर पर नहीं है। क्यों नहीं? होने की वजह ही नहीं। वो क्या मचो? गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ गड़बड़ से तुम्हारा मतलब? ये उस रात वाली लड़की जिसने किया। पहले उन्होंने मुझे बहुत खरोचा और अब कीड़े हो सकता है कि उस हाल में मेरे ऊपर जो गिरे थे। तुमने ठीक कहा यार, तुम्हें इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये ठीक है। इस खरगोश को छोड़कर जब देखो बड़बड़ करता रहता है। देखो वो उधर आ गए। जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से निकलना होगा। तुमने ठीक कहा। आगे बढ़ने में खतरा है। मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आते ही होंगे। टाइम हो गया है। सब लोग यहां से उठ जाओ। हाँ मैं जरूर कर सकती हूँ। तुम लोगों को समझना होगा यहाँ पर वायरस हुआ है और उस चीज की जांच चल रही है और हम लोग अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और जब तक हॉस्पिटल इस बारे में जांच नहीं कर लेता है और हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं तब तक कोई भी बाहर या अंदर नहीं आ सकता है। बेसमेंट। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ ठीक है अब ऊपर चलते हैं। बंद करो, बंद करो ये झगड़ा, बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आता हमें एक साथ रहना है। तैयार हो जाओ। Thank you.
मिस्टर हमें नीचे जाना है। मुझे नहीं लगता है नीचे जाए। देखिए ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या आप रोक सकते हैं? तो तुम रोक लो, ये तो तीसरे माले पे रुकेगी। ये क्या कर रहे हो? मीठा पेस्ट। मुझे नहीं लगता तुम इस बात के लिए कभी इनकार कर पाओगे, है ना? ए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। Oh my God! Oh God! What the hell are you doing? Give it back hey, to me! Give it back! तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हारी मेघान ने मुझे फोन करके यहाँ पे आने के लिए कहा। वैसे इस जगह पे क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ देखो डेड बॉडीज हैं। ये हॉस्पिटल है, क्या तुम जानते नहीं हो? ये कोई माल नहीं है। और वैसे भी तुम जानते हो कि दोपहर में मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, मैं यहाँ पे रह नहीं सकती। और वैसे ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है? बहुत गंदा दिख रहा है। कोई भी दरवाजे के पीछे या कहीं पे भी छुपा हो सकता है, यहाँ से जल्दी चलो। बस ठीक है, मेरे बालों से हाथ हटाओ प्लीज। हाँ मुझे समझ में आ गया, बस आगे बढ़ते रहो। ये लाइट नहीं है। ओ शिट, मेरे ख्याल से हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। और कोई रास्ता नहीं है, हमें इधर से निकलना होगा। बेवकूफी मत करो। हे, भागते भागते मैं थक चुका हूँ। मैं उस बेवकूफ को जहाँ से आए वहीं भेज देता हूँ। ब्रायन सीरियसली, ब्रायन सीरियसली। हे, शट अप। कम ऑन ब्रायन। ब्रायन कम ऑन। तुमने क्या देखा यार? वहां भी कुछ नहीं है। रुको। अरे ये क्या है? क्या कर रहे हो? वो मुझे फिस जाते हैं, वो मुझे नुकसान नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात जो एक बस मेरी करो। बात मानो ना। कहा बस करो। बेबीज, ओह माय गॉड, कुछ अजीब हो रहा है। ओह जीसस, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे ना कहने का क्या मतलब है? किस चीज की तलाश है तुम्हें? कुछ फायदे के लिए। तुम उन बेबीज को मारने वाले हो? मैं उन कमीनियों से डरने वाला नहीं। इनको मारना ही ठीक होगा। मुझे लगता है इन्हें गाली देके बुलाना होगा। ये लो, ये लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लाइटर चाहिए। मैं स्मोक नहीं करती। मैचबॉक्स है तुम्हारे पास? लाइटर दो ना। ओह
हमें यहाँ से निकलना होगा। भागो! तुम्हें क्या हो गया? ए भगवान, क्या तुम शॉट लेने को तैयार हो? कैसा शॉट? मुझे मेरा इंसुलिन नहीं मिला। शिट! कुछ ठीक नहीं लगता। hey, क्या हुआ? बहुत बुरी है। Pretty bad. मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है, ध्यान रहे कि तुम अगले कमरे में जा रहे हो और तुम लोग उस तरफ में। हाँ, चलो आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ प्लीज। ओ, अब क्या हुआ? I'm sorry, okay? ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं जरा सा घबरा गई हूँ। Come on, Crystal, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा हो जाएगा? ओह, माफ करना, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम मौत के मुंह में खड़े हैं और तुम्हें इसकी पड़ी है। वो सही कह रही है। ए, चेरी! नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या चाहती हो? मैं तैयार हूँ। किसके लिए तैयार हो? अभी? हाँ, अभी, यहाँ इसी वक्त। क्या? चेरी वापस आ जाएगी? मुझे फिक्र नहीं। कम ऑन, हम अकेले हैं और ऐसा मौका पता नहीं हमें फिर मिल पाएगा कि नहीं। कहती थी शादी तो कुंवारी रहोगी, अब क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम नहीं जानते हो क्या कि आप लोग यहाँ पे बहुत जल्द मरने वाले हैं। मैं मरने से पहले बहुत जिन मरना नहीं चाहती। ये क्या कर रहे हो तुम? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक डिस्गस्टिंग एलियन हो। तुम्हें कोई मिला? मुझे यहाँ से जाना है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। पर ये कैसे होगा? छोड़ दो, मैं उसे याद नहीं करना चाहती, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। क्रिस्टल कितनी कमीनी है, जो भी उसके साथ होता है सुबह खो बैठता है। हे भगवान, जो तुम अकेले रहना चाहते हो ना? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं ऊपर चली जाती हूँ, ठीक है? जैसे ओह माय गॉड, क्या ये तुम्हारा पहला चुम्बन है? बोलो, घबराओ मत, मैं जेंटली करूंगा। माफ करना, मैंने गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे अकलमंद जनाब, तुम ठीक हो?
आप इसकी तरफ देखो कैसी लग रही है, जैसे कोई एलियन हो यहाँ पर। देखो वो लोग आ रहे हैं। कमीनी ज्यादा ताकत है। ये मैंने नहीं किया, पीछे चले गए। शूट करो। हाँ शूट करो। अच्छा किया, मुझे इसकी जरूरत थी। शिट वो तुम्हारी क्रिस्टल नहीं, कोई और थी। इंसुलिन से कैसे महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। यह करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हमें बॉयलर को खोज निकालना होगा। शिट, ट्रैप। शिट, ट्रैप। हम फंस गए। नहीं रुको, रुको रुको। ये मेरे लिए इम्तिहान का वक्त है। चिंता मत करो। तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो? जल्दी रहो। ठीक है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं मेरा यकीन करो, मैं कर लूंगी। तुम नहीं भाग सकते लेकिन मैं भाग सकती। याद रखो हमें कैसे भी यहाँ से निकलना है।
तुम ठीक तो हो? फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या वाकई में हम जिंदा हैं? ठीक हो जाओगी, मैं जानती हूँ स्वीट हार्ट, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम क्या कह रही हो हनी, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। Okay, now give the look and go.